हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरा नमस्कार। आप सभी का रिटेल स्मार्ट इन्वेस्टर यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं एवेन्यू सुपरमार्ट्स लिमिटेड के बारे में, जिसको हम सभी डीमार्ट के नाम से भी जानते हैं। और जैसा कि हम लोग देख रहे हैं, डीमार्ट 1983 रुपये पर क्लोजिंग दिया है लास्ट ट्रेडिंग डे में। और दोस्तों, हम लोगों ने हाल में ही 13 अक्टूबर को एक वीडियो अपलोड किया था डीमार्ट एवेन्यू सुपरमार्ट के बारे में, जिसमें हम लोगों ने संभावना व्यक्त की थी कि जो एवेन्यू सुपरमार्ट के जो Q2 के रिजल्ट यानी सितंबर क्वार्टर के जो रिजल्ट आएंगे वो जून क्वार्टर के रिजल्ट से बेहतर देखने को मिल सकते हैं। उस वीडियो में हम लोगों ने जाना था कि इनके जून क्वार्टर के रिजल्ट कोविड के लॉकडाउन के वजह से काफ़ी ख़राब देखने को मिले थे, और हम लोगों ने उसमें संभावना जताई थी। चूँकि लॉकडाउन में लगातार छूट मिलता हुआ देखा गया है, इसलिए इसके बिजनेस भी लगातार बढ़ते गए हैं। इस पीरियड में इनके जो स्टोर बंद पड़े हुए थे वो भी ओपन होना शुरू हो गए, और उसमें बिजनेस एक्टिविटी भी लगातार बढ़ती हुई पाई गई थी, ऐसा हम लोग उस वीडियो में चर्चा किए थे। और आज ये कंपनी अपना रिजल्ट लेकर के हम निवेशकों के सामने आ चुकी है। तो दोस्तों, हम लोग आज इस वीडियो में ये चर्चा करेंगे कि जिस प्रकार से हम लोगों ने अनुमान लगाया था कि एवेन्यू सुपरमार्ट के सितंबर क्वार्टर के रिजल्ट जो हैं जून क्वार्टर से अच्छे देखने को मिलेंगे, ऐसा सही में हुआ या नहीं? क्या ये कंपनी जून क्वार्टर से ज़्यादा खराब रिजल्ट लेकर के आई है, या इसने जून क्वार्टर से ज़्यादा अच्छा रिजल्ट लेकर के आई है? तो आज इस वीडियो में हम लोग सारी बातों पर चर्चा करेंगे। और दोस्तों, इस संबंध में डीमार्ट के मैनेजमेंट ने एक्सचेंजों को एक सूचना भी उपलब्ध कराई है निवेशकों के लिए। इन्होंने अपने बिजनेस ओवरव्यू के बारे में बताया है कि किस प्रकार से इनके धंधे में कोविड की मार देखने को मिली, और जिस प्रकार से लॉकडाउन में छूट मिलता गया इसके बिजनेस किस प्रकार से बढ़ते हुए पाए गए हैं, उसकी चर्चा इन्होंने अपने निवेशकों को दी है। और इसमें इन्होंने साफ कहा है कि जो रिस्ट्रिक्शन इम्पोज किए गए थे कोविड-19 के अनुसार, वो लगातार सितंबर क्वार्टर में उसमें ढील मिलता गया, और इसके जो बिजनेस एक्टिविटीज़ हैं वो लगातार बढ़ते हुए पाए गए और उसमें इम्प्रूवमेंट देखा गया। और सितंबर क्वार्टर में जो अगस्त महीने का जो इनका बिजनेस है वो जुलाई महीने के बिजनेस से ज़्यादा अच्छा देखने को मिला है, और सितंबर महीने का जो बिजनेस है वो अगस्त महीने से ज़्यादा अच्छा देखने को मिला है। यानी कि इनका लगातार हर महीने में लॉकडाउन में जैसे जैसे छूट मिलती गई इनका बिजनेस बढ़ता हुआ दिख रहा है, और इनके जो फुटफॉल्स हैं यानी कि इनके स्टोर्स में जितने ग्राहक आते हैं उनकी संख्या भी लगातार धीरे धीरे बढ़ती हुई देखी जा रही है। हालांकि जो प्री कोविड सिनेरियो के पहले जो स्थिति थी अगर उसके रेस्पेक्ट में देखा जाए तो अभी भी फुटफॉल्स इनका काफ़ी कम देखने को मिल रहा है, जिसके वजह से इनके बिजनेस इम्पैक्ट हो रहे हैं। और इनके जो कुल 220 स्टोर्स हैं उसमें से 158 स्टोर्स जो हैं उनमें इनका लगभग 87.5% जो है सेल्स रिकवरी हो चुका है सितंबर 2019 के बिजनेस के रेस्पेक्ट में। और इसमें जो सबसे तगड़ा डिमांड देखने को मिला है एफएमसीजी एंड स्टेपल्स डिमांड इनका काफ़ी रोबस्ट देखने को मिला है, और इनके जो डिमांड रहे हैं वो सितंबर सेल्स को भी एक्सीड कर चुके हैं। एफएमसीजी और स्टेपल्स के डिमांड जो है सितंबर 2019 के भी डिमांड को एक्सीड कर चुके हैं। इस प्रकार से दोस्तों हम लोग ये कह सकते हैं कि जो इनका जून का जो महीना क्वार्टर था वो ख़राब देखने को मिला था, उससे ये बेहतर अपने बिजनेस को आंक रहे हैं सितंबर क्वार्टर में। और इन्होंने कुछ नए स्टोर्स की भी ओपनिंग की है, उसमें इन्होंने कुल 6 नए स्टोर्स जो हैं खोले हैं, और 2 स्टोर इन्होंने क्लोज किए हैं मुंबई में, और उनको ये कन्वर्ट कर दिए हैं फुलफिलमेंट सेंटर के रूप में, जो कि ई कॉमर्स बिजनेस के डिमांड को वो फुलफिल करेंगे। और इनका जो 2 फुलफिलमेंट सेंटर खोला गया, एक मीरा रोड में और एक कल्याण में, जो कि पहले इनके फुल फ्लेजेज सुपरमार्ट शॉप्स हुआ करते थे, स्टोर हुआ करते थे, तो उनको इन्होंने फुलफिलमेंट सेंटर के रूप में डेवलप कर लिया है। और इस न्यूज़ को एफआईज ने निगेटिव
तौर पर लिया है, इसलिए इसके स्टॉक में सेलिंग भी देखने को मिली थी। तो दोस्तों ये इनके बिजनेस स्ट्रेटजी हैं ये, जो कि आने वाले दिनों में कहाँ तक सही साबित होंगे ये हम निवेशक देखेंगे, लेकिन बिजनेस में ऐसा चलता रहता है। वो कौन सा राधा कृष्ण दमानी जी क्या स्ट्रेटजी लेकर के चल रहे हैं और वो कहाँ तक हम निवेशकों के फायदे में होगा ये तो बाद में समझ में आएगा, लेकिन ये पॉजिटिव चीज़ है कि इन्होंने 6 नए स्टोर खोले हैं। अब चलिए दोस्तों इनके हाफ ईयरली रिजल्ट को देख लेते हैं कि हाफ ईयरली बेसिस पर इस कंपनी ने कैसा रिजल्ट हम निवेशकों के सामने प्रस्तुत किया है। तो हम लोग देख रहे हैं दोस्तों कि हाफ ईयरली बेसिस पर जो इनका ईपीएस हुआ करता था वो तकरीबन 10.72 हुआ करता था H1 FY 20 में, जबकि ये H1 FY 20 में ये घट करके 4.02 रह गया है। यानी कि इनके हाफ ईयरली रिजल्ट के आधार पर देखा जाए तो इनका जो ईपीएस है वो लगभग 60% इसमें गिरावट देखने को मिली है। अब दोस्तों हम लोग इसके रिजल्ट को डायरेक्ट चेक करते हैं कि इनके क्वार्टरली रिजल्ट एनुअल बेसिस पर और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर कैसे देखने को मिल रहे हैं। सितंबर 2019 को डीमार्ट 5,991 करोड़ का सेल्स रिपोर्ट की थी, जो कि सितंबर 2020 में घट करके 5,306 करोड़ देखने को मिल रहा है। तो इनके सितंबर 19 क्वार्टर के रेस्पेक्ट में सितंबर 20 में इनके सेल्स में लगभग 11% से ज़्यादा का डिग्रोथ देखने को मिल रहा है। अब दोस्तों सेम पीरियड में अगर नेट प्रॉफिट की बात करें तो सितंबर 2019 में 323 करोड़ का नेट प्रॉफिट रिपोर्ट की थी, जो कि सितंबर 2020 में घट करके 199 करोड़ हो गया। तो सितंबर 2019 के रेस्पेक्ट में सितंबर 2020 में इनके नेट प्रॉफिट में लगभग 38% का डिग्रोथ देखने को मिल रहा है, जो कि काफ़ी तगड़ा डिग्रोथ है। और दोस्तों अगर क्वार्टर ऑन क्वार्टर की बात करें तो जून क्वार्टर में डीमार्ट यानी एवेन्यू सुपरमार्ट 3,883 करोड़ का सेल्स रिपोर्ट की थी, जो कि सितंबर 2020 में ये बढ़ करके 5,306 करोड़ का हो गया। तो इनके क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर इनके सेल्स में लगभग 36% का तगड़ा जंप देखने को मिल रहा है। तो ये काफ़ी तगड़ा जंप है दोस्तों इनके सेल्स में। और अगर हम लोग सेम क्वार्टर में नेट प्रॉफिट की बात करें तो जून क्वार्टर में इसने 40 करोड़ का नेट प्रॉफिट रिपोर्ट किया था, जो कि सितंबर क्वार्टर में बढ़ करके 199 करोड़ का हो गया। तो इनके क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर नेट प्रॉफिट में लगभग 397% का जंप देखने को मिल रहा है, जो कि काफ़ी तगड़ा जंप है दोस्तों। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि जो डीमार्ट के सितंबर क्वार्टर के रिजल्ट हैं वो जून क्वार्टर के रिजल्ट से काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव होते हुए दिखे हैं। और जैसा कि मैनेजमेंट ने अपने नोटिस में कहा, जैसा कि अभी हम लोगों ने देखा था कुछ देर पहले, कि मैनेजमेंट ये कह रहा है कि जो जुलाई में जो इनका सेल्स हुआ था उससे ज़्यादा अगस्त में सेल्स देखने को मिला, और अगस्त में जो सेल्स हुआ था उससे ज़्यादा सेल्स सेप्टेम्बर महीने में देखने को मिला है, और लगातार इनके जो फुटफॉल्स हैं वो लगातार उसमें इम्प्रूवमेंट देखने को मिल रहा है और ये नॉर्मलसी की ओर लगातार बढ़ रहे हैं। और ये उम्मीद लगाए बैठे हुए कि जल्द ही इनके जो फुटफॉल्स हैं वो प्री कोविड लेवल के स्तर पर आ जाएंगे और इनके सेल्स भी प्री कोविड लेवल पर आते हुए जल्दी देखे जाएंगे। तो इस प्रकार से दोस्तों हम लोगों ने इस वीडियो में देखा कि डीमार्ट जो कि एक स्ट्रांग फंडामेंटल वाली कंपनी है, इसके सितंबर क्वार्टर के रिजल्ट जून क्वार्टर के रेस्पेक्ट में काफ़ी बेहतरीन देखने को मिल रहे हैं। और अगर हम लोग एनुअल बेसिस पर बात करें तो इनके एनुअल बेसिस पर क्वार्टर टू के रिजल्ट बेहद ही ख़राब देखने को मिले हैं। तो कुल मिलाकर के जैसा कि हम लोगों ने पुराने वीडियो में अनुमान लगाया था कि इसके सितंबर क्वार्टर के रिजल्ट क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर अच्छे दिखेंगे, तो ऐसा ही हम लोग को मिला भी कि इनके क्वार्टर टू के रिजल्ट काफ़ी अच्छे देखने को मिले हैं जून क्वार्टर के रेस्पेक्ट में। और हम लोग उम्मीद कर सकते हैं, जैसा कि मैनेजमेंट सोच रहा है और हम लोग भी ये सोच रहे हैं कि
आने वाले दिनों में इनके जो सेल्स हैं वो प्री कोविड लेवल को जाते हुए हम लोग देख पाएंगे। हालांकि दोस्तों मार्केट में ये भी चर्चा है कि जियो मार्ट आ गया है तो डिमांड खत्म हो जाएगा, ऐसा हैवॉक क्रिएट किया जा रहा है, लेकिन दोस्तों ऐसी बात सही नहीं होती है। अमेरिका ने जापान पर एटम बम गिरा दिया ये सोच करके कि जापान खत्म हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, जापान खत्म नहीं हुआ। मुकेश अंबानी जियो लेकर के मार्केट में आए थे और फ्री में बांट रहे थे सिम, पूरे देशवासी उसके पीछे पागल थे सिम लेने के लिए, फ्री के सिम फ्री के सिम। अब वही मुकेश अंबानी मिनिमम टैरिफ की बात कर रहे हैं, अब उनको भी जो है मार्केट में ये समझ में आने लगा है कि फ्री में कोई धंधा नहीं चलाया जा सकता है, और न ही जियो मार्ट आ करके आप लोगों के घर तक जो है फ्री में माल डिलीवर करने जा रहा है। ऐसी अगर आप लोग उम्मीद रखे हुए हैं तो आप ये भूल जाइए कि मुकेश अंबानी आपको फ्री में दाल चावल भी डिलीवर कर पाएगा। तो ऐसी धारणा हम लोगों को नहीं रखनी चाहिए। ये बड़े बड़े बिजनेसमैन लोग हैं, अलग अलग तरीके के बिजनेस प्रैक्टिस लाते हैं मार्केट में, मार्केट कैप्चर करते हैं, लेकिन बाकी बिजनेसमैन भी अपने अलग अलग टैक्टिक्स लेकर के मार्केट में टिके रहते हैं और किसी भी मार्केट में मोनोपोली नहीं बनने जा रही है, चाहे वो टेलीकॉम का सेक्टर हो या सुपरमार्ट का मार्केट हो, कहीं पर भी मोनोपोली नहीं होने जा रहा है। बहुत सारे ऑपरेटर हैं यहाँ पर, बहुत से संबंध बनेंगे, बहुत सारे संबंध बिगड़ेंगे, लेकिन हम निवेशकों को इन सारी बातों पर ध्यान रखना है और अपना जो मुनाफा है मार्केट से लगातार निकालते रहना है। तो इस प्रकार से दोस्तों हम लोगों ने इस वीडियो में जाना कि जो एवेन्यू सुपरमार्ट के रिजल्ट हैं वो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर इम्प्रूव हो रहे हैं, और जिस तरह से मैनेजमेंट ने कहा है वो भी हम लोग सही होता हुआ देखेंगे आने वाले दिनों में, और जिस स्तरों पर ये शेयर चल रहा है 2000 के नीचे, ये काफ़ी अच्छा अपॉर्चुनिटी दे रहा है हम रिटेल स्मार्ट इन्वेस्टर को। इसमें हम लोग SIP मोड में लगातार खरीदारी करके चलें, तो जब भी इनके जो सेल्स हैं नॉर्मलसी की ओर आ जाएंगे तब इसमें काफ़ी तेज उछाल देखने को मिलेगा, उसके बाद ये स्टॉक हम लोगों के हाथ नहीं आने वाला है। तो दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो आप मेरे चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लें, मैं आपके लिए लगातार छोटी छोटी और अच्छी जानकारियाँ लेकर के आता रहता हूँ, और मुझे उम्मीद है कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। आपको अगर ये मेरा वीडियो पसंद आया तो आप इसे ज़रूर लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। आप मेरे नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार करेंगे, तब तक के लिए आप सभी को मेरा नमस्कार।